पर आज गाजा पट्टी के लिए हर गुजरता पल अब मौत और तबाही लेकर आ रहा है। इजराइल अब हर मिनट में एक बम जरूर गिराना चाहता है। और देखिए यही वजह है कि हमास में डर बहुत ज्यादा है, लेकिन गाजा में 8,000 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद इजराइल ने अपनी रणनीति बदल ली है। उसे अब एक ऐसा बम यहाँ पर मिल गया है, उसने निकाल लिया है, जिसके टारगेट पर सिर्फ और सिर्फ हमास के कमांडर्स होंगे। एक मिनट में एक बम की चोरी पर काम कर रही इजरायली आर्मी गाजा बारूद का बक्सा बन गया है। पूरे गाजा को जमींदोज करने के लिए इजरायल की सेना हर मिनट एक बम के हिसाब से दाग रही है। गाजा पट्टी में लहराते इजरायल के झंडे को देखिए और गाजा की तबाही का अंदाजा लगाइए। इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि हमास के खात्मे का युद्ध अब दूसरे चरण में पहुंच गया है, मतलब हमला और जोरदार और भीषण होगा। इस वक्त इजराइल बम बरसाने के लिए किसका इस्तेमाल कर रहा है, इसकी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जलते गाजा की सबसे ताजा तस्वीरें देखनी जरूरी है। चौबीस घंटे में इजराइल की सेना ने हमास के 450 ठिकानों को टारगेट किया है, हमास के कमांड सेंटर पर बम बरसाए, ऑब्जर्वेशन पोस्ट को उड़ाया और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्च पोस्ट को नष्ट कर दिया। इसराइल की ओर से कहा गया है कि वो आतंकवादियों के लोकेशन ट्रेस कर उन पर हमले कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने उत्तरी गाजा को युद्ध का मैदान घोषित कर दिया है। आईडीएफ ने जमीनी कार्रवाई करते हुए हमास के आतंकी के घर को बुलडोजर से तोड़ दिया। ताबूत में तब्दील होती इमारतें जमीन पर फिलिस्तीनियों और हमास आतंकियों के उड़ते चीथों से पूरी गाजा पट्टी कांप रही है। हमले की तेजी देखिए कि महज एक घंटे में इजरायली वायुसेना ने 100 फाइटर जेट से 5,000 से ज्यादा हमले किए हैं। नक्शे के जरिए समझिए कि इजरायल इस वक्त कितना आक्रामक है। उत्तरी गाजा में इजरायल के जमीनी लोकेशन को समझिए। मिसाइल के जरिए तो हमले किए गए, लेकिन अब इजराइल की सेना कोशिश कर रही है कि गाजा की सरजमी पर उतरे और वहां पर जाकर हमले करे। इसके लिए गाजा पट्टी में दाखिल होने का काम इजराइल की सेना करती है। अब सिलसिलेवार तरीके से मैप के जरिए आपको समझाते हैं, ये गाजा पट्टी और गाजा पट्टी का उत्तरी गाजा का इलाका। 26 और 28 अक्टूबर को इजरायली सेना गाजा में घुसती है, उत्तरी गाजा के इलाके में घुसती है और सबसे पहला हमला वो बेट हनून में करती है। और अभी भी यहां पर हमले लगातार किए जा रहे हैं, यहां पर भी इजरायल की सेना मौजूद है, उसके टैंक मौजूद है, लगातार यहां हमले किए जा रहे हैं क्योंकि यहां हमास के लड़ाकों का सबसे बड़ा ठिकाना। उसके नीचे आप आ जाइए जबालिया में। जबालिया में इस वक्त ताजा हमला किया गया, जो हाल में हमले किए गए कुछ घंटों पहले वो जबालिया में किए गए। जबालिया इसलिए अब सबसे मुश्किल हालात इसलिए हैं क्योंकि यहां शरणार्थी शिविर भी बने हुए हैं, यहां तमाम वो लोग रह रहे हैं जो शरणार्थी शिविर में बने हुए हैं। इसके आगे बढ़ते हैं रिमाल, जबालिया के नीचे वाला इलाका, यहां पर आप देखिए कि यहां पर भी हमले किए गए। अल जदीदा, यहां पर भी लगातार हमले किए जा रहे हैं और इसी के साथ में गाजा सिटी को भी निशाने पर लिया गया है इजराइल की सेना की ओर से। और नीचे आता है जोहोर अद-दिक, यहां पर भी हमले किए जा रहे हैं। जमीनी हमले का सबसे बड़ा मकसद यह है कि सुरंगों तक पहुंचा जाए जहां पर हमास के कमांडर्स अपना ठिकाना बनाए हुए हैं। पश्चिमी मीडिया के कई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जमीन पर आईडीएफ की स्पेशल फोर्स ने टैंक, रॉकेट, लड़ाकू बख्तरबंद से उत्तरी गाजा में हमास के ठिकानों को रौंद डाला है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस की ओर से उत्तरी गाजा के नागरिकों को गाजा के दक्षिणी हिस्से में शिफ्ट करने को कहा गया है। गाजा पट्टी की इंच इंच की जमीन पर बमबारी हो रही है, लेकिन इस बीच हमास और हिजबुल्ला भी नहीं रुक रहे हैं। इजराइल को उत्तर में हमास के कमांडरों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं दक्षिण से हिजबुल्ला हमले तेज कर रहा है। इजराइल इस वक्त टू फ्रंट वॉर लड़ रहा है और इस परिस्थिति में इजराइल लगातार हमले तेज कर रहा है ताकि एक मोर्चे को तबाह करके दूसरे मोर्चे पर पूरी ताकत के साथ युद्ध लड़ा जा सके। बेअज़ा, अनाख्तु मितकद्मीम बिशलवे मिलखमा।
הלילה כוחות צהל נכנסו לשטח צפון רצועת עזה והרחיבו את הפעילות הקרקעית. בפעילות זו לוקחים חלק כוחות חיר, שריון, הנדסה וארטילריה שמלווים באש כבדה. अल जजीरा चैनल ने दावा किया है कि उत्तरी गाजा के एक हिस्से में इजरायल के हवाई हमले में 100 से ज्यादा लोगों की मौत महज 5 मिनट के अंदर हुई है। हमास का चीफ इस्माइल हानिया और हमास का टॉप लीडर याया सिनवार भी रात भर हुए इजरायली हमलों को देखकर बौखलाए हुए हैं। ईरान और तुर्की भी इजरायल के भीषण हमलों को देखकर दंग है। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान का नया ऐलान सुनिए। İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor. Şimdi İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz. हमास और इसराइल के बीच में युद्ध का 23वां दिन है और बीते दिनों के साथ युद्ध और ज्यादा भयंकर होता चला जा रहा है। दूसरी ओर इसराइल ने दुनिया को साफ साफ संकेत दे दिए हैं कि जो हमास का समर्थक होगा वो इसराइल का दुश्मन नंबर एक होगा। तुर्की सीन में पहली बार नहीं दिख रहा है, लेकिन तुर्की के पास करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं बचा। तुर्की के मैदान में आने की सूरत में जो तय है वो ये कि बाइडेन के बम भी एक्टिवेट होंगे और तब ईरान भी सीन में होगा। मतलब जलता गाजा एशिया को ही नहीं पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने की राक्षसी ताकत रखता है। इसराइल ने अपने राजनयिकों को तुर्की से निकालकर क्लियर एंड लाउड मैसेज दिया है कि जो हमास के साथ हैं वो इसराइल का दुश्मन है। गाजा पर तेज हमले इस कारण भी हैं कि ईरान और तुर्की जैसे देशों के युद्ध में मैदान से उतरने से पहले हमास को मिट्टी में मिला दिया जाए और हिजबुल्ला की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाए। इस बीच फिलिस्तीन अथॉरिटी का दावा है कि इसराइल फॉस्फोरस बम का इस्तेमाल कर रहा है। फॉस्फोरस बम की डिटेल आपको आगे दिखाएंगे, उसके पहले हमास की ताक की संक्षिप्त जानकारी जरूरी है, क्योंकि जब जमीन पर हमले शुरू हो गए हैं तो हमास से इसराइल आर्मी का दो दो हाथ होना तय है। हमास के पास एक रिपोर्ट के मुताबिक 30 से 40 हजार लड़ाके होने का अनुमान है। हमास के पास ईरान में बने रॉकेट, मिसाइल और दूसरे अत्याधुनिक हथियार हैं। ताजा हमले में भी उसने सतह से सतह पर मार करने वाली ईरानी मिसाइल फज्र 3 का इस्तेमाल किया। हमास के पास इसका अपडेटेड वर्जन फज्र 5 भी है। जमीनी युद्ध शुरू हुआ तो अब इसराइल की सेना के ठीक सामने हमास है, जो कि सुरंगों में छिपा हुआ है और सुरंगों को खत्म करना इसराइल के लिए आसान नहीं। इसलिए पहले एयर स्ट्राइक में तेजी की गई और अब इसराइल की सेना जमीन पर उतर आई है गाजा के अंदर। ईरान हो या तुर्की, अब तक इसराइल को धमकी देने के अलावा ऐसा कुछ नहीं कर पाए हैं कि गाजा के लोगों को उम्मीद जगे। गाजा पट्टी में कुछ जगहों पर हजारों लोगों की भीड़ फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र की राहत एजेंसी UNRWA की गोदामों में घुस गई और तोड़ फोड़ करते हुए गेहूं, आटा, बिस्तर जैसी बुनियादी जरूरत की चीजें जबरदस्ती उठा ली गई। गाजा के UNRWA प्रमुख थॉमस व्हाइट ने कहा है, 3 हफ्ते से युद्ध जारी है और पूरे शहर की कड़ी घेराबंदी है। ऐसे में अब यहाँ सिविल ऑर्डर चरमराने लगा है। हजारों लोग गोदामों और केंद्रों में घुसकर आटा और दूसरी चीजें छीन ले गए हैं। बाजार में सप्लाई खत्म हो रही है। मिस्र के रास्ते ट्रकों में जो सामान गाजा पट्टी में मानवीय सहायता के तौर पर आ रहा है वो बहुत कम है। लोगों को केवल जिंदा रहने के लिए जितनी बुनियादी चीजें चाहिए वो आ रही है, आपूर्ति से बहुत ज्यादा है। गाजा की चारों ओर से नाकेबंदी भी कर दी गई है। सिर्फ मिस्र से लगने वाले बॉर्डर से कुछ रसद गाजा में पहुंच रही है। व्हाइट फॉस्फोरस बम सफेद फॉस्फोरस और रबर को मिलाकर तैयार होता है। फॉस्फोरस मोम जैसा केमिकल है जो हल्का पीला या रंगहीन होता है। इससे सड़े हुए लहसुन जैसी तेज गंध आती है। इस रासायनिक पदार्थ की खूबी यह है कि यह ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेता है और फिर यह पानी से भी बुझाया नहीं जा सकता। यही बात इसे बेहद खतरनाक बनाती है।
7 अक्टूबर से शुरू हुए गाजा युद्ध में अब तक दोनों तरफ से 9,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। जहां इसराइल पर हमास के हमले में 1400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, तो गाजा में इजरायली एयर स्ट्राइक में 8,000 के करीब जान जा चुकी है। सिर्फ 5 दिनों के आंकड़े देखिए, ये ग्राफ आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि इंसानी जान की कीमत क्या युद्ध में कुछ भी नहीं है। 24 अक्टूबर 704 मौतें, 25 अक्टूबर 755 मौतें, 26 अक्टूबर 482 मौतें, 27 अक्टूबर 298 मौतें, 28 अक्टूबर 377 मौतें,